हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस सेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी सिलेबस में आपके पास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.11 एंड एक्सरसाइज 1.22 ही इस बार आपके सिलेबस में है, बाकी कटा हुआ है जैसे कि लास्ट सेशन में भी कटा हुआ था। तो उसी पर बेस्ड बच्चों हम लोग आपके पास एमसीक्यूज लाए हैं। पहले हम आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स के एमसीक्यू जरूर लेकर आएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकें और आप लोगों की कमांड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अच्छी हो जाए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है और वो आप एनसीईआरटी से ही क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को क्लियर करिए और उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज आप हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम और भी चैप्टर्स की इस तरीके की वीडियोस बना सकें। और आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं कि किस चैप्टर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले चाहिए ताकि हम उन्हीं क्वेश्चंस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ला सकें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो टी यहाँ पर एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, सब तरीके के ट्राइंगल्स हैं। और रिलेशन टी डिफाइंड इस तरीके से है कि ए रिलेटेड होगा बी से अगर ए कॉन्गुरेंट होगा बी के। अब आपको बताना है कि रिलेशन इन चारों ऑप्शंस में से क्या है। तो डियर देखिए, हमने आपको पहले भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एरो डायग्राम से ही कर दिखाए हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक ही सेट दे रखा है टी सेट, इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो टी सेट का टी सेट से करा गया होगा। अब टी सेट पे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, टी वन टी टू टी थ्री सो मेनी, राइट, सिमिलरली टी वन टी टू टी थ्री सो मेनी एंगल्स, सो मेनी ट्राइंगल्स। अब जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा तो उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स आए होंगे। क्या एलिमेंट आएंगे? टी वन टी वन टी वन टी टू टी वन टी थ्री टी वन टी फोर, देन सिमिलरली टी टू टी वन टी टू टी टू टी टू टी थ्री सो ऑन टी थ्री टी वन, यानी बहुत सारे पेयर्स बने होंगे, राइट, बहुत सारे पेयर्स बने होंगे। यानी आपके पास अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें बच्चों तो ए और बी बहुत सारे पेयर बने होंगे, जिसमें से ए भी हमें पता है टी सेट में से लिया गया होगा और बी जो है वो भी टी सेट में से ही लिया गया होगा और बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे। अब उसने क्या कहा? उसने कहा आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास तीन चीजें हो जाए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब एक रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो एक बात बताइए, क्या रिलेशन में आपको टी वन एलिमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको रिलेशन में टी टू एलिमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। टी थ्री मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। टी फोर मिलेगा? बिल्कुल। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपसे कहा गया है कि वो सारे पेयर आपने रिलेशन में डालने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से कुछ ऐसे रिलेटेड हो कि वो कॉन्गुरेंट हो। तो टी वन खुद अपने ही के कॉन्गुरेंट होगा कि नहीं होगा? कॉन्गुरेंट मीन्स क्या होता है? जब दो ट्राइंगल बिल्कुल साइज और शेप में इक्वल होते हैं, इसे बोलते हैं साइज में इक्वल, इसे बोलते हैं शेप में इक्वल। तो कॉन्गुरेंट का ये साइन होता है। तो खुद एक ट्राइंगल अपने आप के तो कॉन्गुरेंट होगा ही ना, अपने आप के तो इक्वल होगा। तो टी वन टी वन टी टू टी टू टी थ्री टी थ्री टी फोर टी फोर, ये सब रिलेशन में देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमें ये रिलेशन में देखने को मिलेगा तो आपका रिलेशन पक्का पक्का रिफ्लेक्सिव है, फॉर नो डाउट, है ना। फिर सिमेट्रिक के लिए आते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि टी वन टी टू के कॉन्गुरेंट है, ये मान लेते हैं, तो सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होता है बच्चों? सिमेट्रिक में हमें ये चेक करना होता है क्या इनका रिवर्स रिलेशन में बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा। आप देखिए, अगर आपने ये ज्यूम किया है कि T1 T2 कॉन्गुरेंट है, ऑब्वियस सी बात है T2 T1 के भी कॉन्गुरेंट होगा। तो इफ दिस देन दिस डेफिनेटली हैपन। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आपके पास रिलेशन से और अगर बी ए भी आपको रिलेशन में मिल जाए तो रिलेशन कैसा कहलाता है बच्चों? सिमेट्रिक कहलाता है, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। बात करें ट्रांजिटिविटी, अगर हम ये मान लें कि T1 T2 कॉन्गुरेंट है और ये भी मान लें कि T2 T3 कॉन्गुरेंट है, तो क्या हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि T1 और T3 भी कॉन्गुरेंट होगा? बिल्कुल। यानी अगर अगर T1 T2 रिलेशन में है, T2 T3 रिलेशन में है, तो T1 और T3 भी रिलेशन में मिलेगा। क्यों? अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि T1 ट्राइंगल T2 के कॉन्गुरेंट है, मतलब इक्वल है, और T2 ट्राइंगल T3 के इक्वल है,
तो पक्की बात है ये तीनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, जिससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि टी वन भी टी थ्री के इक्वल होगा। यानी जो ये रिलेशन है ये आपके पास सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और साथ के साथ ट्रांजिटिव भी हो गया। और बच्चों अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें हो जाए तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आई होप आपको इसका ऑप्शन क्लियर रहा हो। कई लोग फटाफट से दिमाग में भी सोच लेंगे कि हाँ ये इक्विवेलेंस ही है, लेकिन हमने वहां पे पूरा डिटेल से आपको समझाया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। तो हमारे पास इस बार जो सेट है उसके अंदर फैमिली के अंदर जो चिल्ड्रन हैं उनका सेट है, ठीक है। लेट इट बी दैट सेट इज ए, तो आपने ए का ए से क्रॉस किया होगा, क्योंकि अगर एक सेट गिवन होता तो उसका मतलब उसी सेट का उसी से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया होगा। और ये बात हमने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई है कि सबसे पहले आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट करा जाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकल कर आता है। अब उसने कहा कि रिलेशन में आपने ऐसे पेयर लेने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिन पेयर के बीच में ये रिश्ता हो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं चिल्ड्रन को सी वन से ले लूं, ठीक है ना, तो क्या सी वन सी वन, सी टू सी टू ये आपको रिलेशन में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। खुद एक इंसान अपना ब्रदर कैसे हो सकता है ना, सी वन सी वन का ही ब्रदर कैसे हो सकता है? तो बड़ी इमेजिनरी सी थिंकिंग है। दैट मीन्स C1, C2, ये सब आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा। यानी इतनी बात तो पक्की है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप वो वाली ऑप्शन काट सकते हैं जहां पर ये लिखा हो कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो मुझे तो दिख नहीं रहा ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें रिफ्लेक्सिव शब्द लिखा हो। तो अगर आप देखो पहले ही ऑप्शन रीड कर लो तो ज्यादा बेटर होता है। क्वेश्चन रीड करने से पहले आप एक काम कर सकते हैं बच्चों कि आप ऑप्शंस रीड कर लीजिए, है ना। ऑप्शन रीड करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें ज्यादा फोकस किस बात पे करना है। तो अगर आप देखिए रिफ्लेक्सिव के बारे में बात ही नहीं कर रखी थी, तो हमें भी रिफ्लेक्सिव के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हमें यही चेक करना था कि ये ट्रांसलेटिव, सिमेट्रिक, इन सब चीजों पर ही बात करें। तो चलो हमें ये रिफ्लेक्सिव तो क्लियर हो गया कि C1, C2 बिलोंग नहीं कर सकता रिलेशन से, बिकॉज खुद एक इंसान अपना ब्रदर नहीं हो सकता। चलो ये तो नॉट है। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी, यानी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी ए ब्रदर है बी का, ऐसा ही उसने कहा है, अगर ए ब्रदर है बी का तो क्या बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और जब ऐसा है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तब आपका आंसर यस नहीं हो सकता, आपका आंसर नो ही होगा। क्यों? हो सकता है कि बी ए का ब्रदर रहा हो सकता है, दोनों ही ब्रदर हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, ये भी तो पॉसिबल था ना। अगर आपने कहा था ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर बी गर्ल भी हो सकती थी। तो इसका रिवर्स जरूरी नहीं है कि आपको रिलेशन में मिले, जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा है कि ए कॉमा बी रिलेशन में मिल रहा है लेकिन बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं मिल रहा, इसका मतलब पक्की बात है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आप वो ऑप्शन कट कर सकते हो जिसमें सिमेट्रिक लिखा है। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ए कट गया, तो किसमें लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक है। ऑप्शन डी कट गया, तो किसमें भी लिखा है सिमेट्रिक है। अब आपके पास ऑप्शन बी और सी रह गया। तो इतनी बात तो पक्की है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये चेक करना पड़ेगा ही कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि ए बी का ब्रदर है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और ये भी मानना है कि बी सी का ब्रदर है, तो पक्की बात है बच्चों ए सी से बिलोंग करेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो आपने कहा था कि बी सिस्टर हो सकती है, यहां पर नहीं हो सकती। देखो हमने इन दोनों को मान के चला है कि ये रिलेशन में है, यानी हम ये मान रहे हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए ब्रदर है बी का, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं बी सी बिलोंग करता है रिलेशन से, अब हम ये भी बोल रहे हैं बी ब्रदर है सी का, यानी बी का यहाँ पर क्लियर हो गया जेंडर की अभी भी मेल ही है। तो अगर ए ब्रदर है बी का, बी ब्रदर है सी का, ठीक है, इसका मतलब कंफर्म है कि ए ब्रदर ही होगा सी का, यानी ए कॉमा सी भी रिलेशन में मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन, ये जो रिलेशन था ये ट्रांजिटिव था, बट ना तो रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिक था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों हमारे पास? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. यू नो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर आपको सेट दे रखा है 1, 2, 3, आपसे पूछ रहा है कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ऐसे केस में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा ए सेट का ए सेट से? तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, राइट. उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, देन 3, 1, 3, 2, देन 3, 3, राइट. टोटल हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 × 3 9 एलिमेंट्स आने ही आ गए हमारे पास. अब रिलेशन की बात करते हैं, तो इसने कहा कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, 2, 2, 1, 1 और 3, 3, ये ले लीजिए. अब इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है. कैसे? 1, 1, 2, 2, 3, 3 यानी ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अगर मैं इसको ए कॉमा बी मान लूं तो बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है. क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से यहां पर आपके पास ये सबसे बेस्ट माना जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर. और सिमिलरली बच्चों अगर हम ये मान लें कि, अब देखिए आपको पता है सेट में मैं 1, 1 कितनी मर्जी बार लिख दूं, कितनी मर्जी बार लिख दूं, एक ही बार काउंट होगा. तो अगर मान लें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो क्या आपको ए कॉमा सी रिलेशन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ए कॉमा सी दिख रहा है ना. तो ए कॉमा सी अगर रिलेशन में दिख रहा है तो ये आपके पास ट्रांजिटिव होगा. तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन बताना हो तो क्या है आपके पास? ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 है. अभी आपके पास सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1, 1 मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है. अब मान लीजिए यही ए कॉमा बी है और आपने अगले स्टेप में लिख दिया बी कॉमा ए. अब क्योंकि ये लिखा हुआ होगा लेकिन सेट में काउंट ना हुआ हो, है ना, क्योंकि सेट में सेम चीज कितनी बार काउंट होती है? एक बार. सिमिलरली ए बी बी सी ए सी भी है रिलेशन में लेकिन इसे तीन बार काउंट ना करने की वजह से आपको क्या दिखा रखा है? सिर्फ एक बार. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास हो गया ये वाला पहला. तो आपके पास एक रिलेशन पक्का कंफर्म हो गया कि ये तो ऐसा है जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला है और इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो ये हमारे पास रिलेशन वन हो गया. अब दूसरे रिलेशन में हम क्या करेंगे? इसमें से एक एलिमेंट और पिक करेंगे. तो ये तो अभी हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि इक्विवेलेंस है. अब यहां से कोई भी एक चीज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 ले लेते हैं. अगर हमने 1, 2 लिया है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 2, 1 जरूर लेना पड़ेगा, बस काफी है. अब ये पक्की बात है कि ये इक्विवेलेंस है. कैसे? ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, ओके. सिमेट्रिक है क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 1 है तो 1, 1 भी है, मतलब उसका अपोजिट भी है. समझ रहे हैं आप कि उसी को अपोजिट कर देंगे आप. और ये आपके पास ट्रांजिटिव भी है क्योंकि देखिए अगर 1, 2 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी दिस इज बी सी, तो क्या ए कॉमा सी है कि नहीं है? 1, 1 बिल्कुल अवेलेबल है. तो इसका मतलब ये एक और रिलेशन मुझे मिल गया जो आपके पास सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. चलिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले 1, 2 लिया, अब हम इसमें सिर्फ 1, 3 ऐड करेंगे R1 के अंदर. तो हमने लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 और इसमें क्या ऐड कर लिया? 1, 3. अगर आप 1, 3 ऐड करेंगे तो कंपल्सरली 3, 1 भी ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो सेम ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो अभी तक तीन रिलेशन तो पक्के पक्के बन गए हैं. इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, या तो सी और डी ऑप्शन पक्का पक्का हो सकती है. तो चलिए ऐसा ही अगर हमने एक बार 1, 2 लिया, एक बार हमने 1, 3 लिया, तो क्या हम इसमें 2, 3 नहीं ले सकते? एक बार बिल्कुल ले सकते हैं. तो एक बार हमने ये कर लिया तो चाहे तो आप इसी के बाद अपना आंसर लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज 3 से ज्यादा तो बन ही रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है. तो आपके पास एक बन जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और एक बार हमने ऐड करा 2, 3 तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 3, 2 भी ऐड करना पड़ेगा. और आप देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बिल्कुल क्लियर है. देखिए आपके पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक क्या होता है? अगर आपके पास दो पेयर मतलब पेयर है तो उसका अपोजिट पेयर भी होना चाहिए. तो 1, 1 है तो 1, 1 उसका अपोजिट भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है, 2, 3 है, 3, 2 है तो 2, 2 भी आपके पास. तो ये भी आपके पास इक्विवेलेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है. और लास्ट जो आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है पूरा का पूरा, ये वाला जो सेट है ये तो 100% इक्विवेलेंस क्लास है, तो है ही इक्विवेलेंस सेट, ठीक है ना. तो इसका मतलब आपके पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते थे? 5, यानी आपका आंसर हो गया 5, क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो जो एक काम और करते हैं, हम आपको यहाँ पर ये चीज निकालने की ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सब हम करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एक नंबर के क्वेश्चन में. तो इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? एक तो ना कोई भी सेट आपको गिवन हो तो
उसके हमेशा दो इक्विवेलेंस तो पक्का होते हैं, दो इक्विवेलेंस रिलेशन तो पक्का होते हैं। एक कौन सा, 1 1 1 2 2 2 3 3, वो जो रिफ्लेक्सिव वाला सेट होता है पूरा का पूरा वो, और एक कार्टिजन प्रोडक्ट, यानी जो भी कार्टिजन प्रोडक्ट है, ये दो तो पक्का पक्का होते ही होते हैं। तो ये दो तो आपके मिनिमम हो गए, और एक तो कभी भी नहीं हो सकता, दो तो पक्के हैं ही हैं। तो दो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, NCN-1। नाउ एन क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3C यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब आप इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, दैट इज फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। नाउ 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 की 1 तक काउंटिंग, एंड दैट इज 2 into 1, तो इससे कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 3। तो 2 पहले ही हमें पक्का पता थे, 3 ये टोटल मिलाकर आपके कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मिलकर आ जाएंगे आपके पास, जैसा कि हमने पहले भी शो करा, दैट इज 5। तो दो आपके पक्का होंगे हर सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तो जो रिफ्लेक्सिव सेट है पूरा का पूरा, और एक आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर आपको जानने हैं तो नंबर ऑफ सेट्स में एलिमेंट पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 3 है, तो 3C3-1, दैट इज 3C2। इसे ओपन करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका फैक्टोरियल का, दैट इज फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उस नंबर से लेकर 1 तक की उल्टी काउंटिंग आपके पास। तो दिस इज द ट्रिक ऑल्सो, आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से। इफ अ रिलेशन आर 1 2 3, मतलब आपको सेट दे रखा है, ए मान लेते हैं ये सेट है 1 2 3, तो हमें पता है जब एक ही सेट दिया जाता है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसी सेट का उसी सेट से किया गया होगा, राइट। आपसे पूछ रहा है कि अगर रिलेशन में सिर्फ आपको ये सिंगल एलिमेंट नजर आए तो ये आपके पास किस तरीके का रिलेशन है, इज इट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और नन ऑफ दीज। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी होता है कि रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए थे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं नजर आ रहे, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बिल्कुल नहीं। बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो अगर यहाँ पर 1 2 है रिलेशन के अंदर, तो हमें 2, 1 भी नजर आना चाहिए था रिलेशन के अंदर, जो हमें बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब दो ऑप्शन हो सकता है, या तो ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए ट्रांजिटिविटी को लेकर थोड़ी सी डेफिनेशन समझने की जरूरत है। देखिए ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास रिलेशन में ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, तो हमें ये चेक करना होता है ए कॉमा सी मस्ट बी इन रिलेशन, यानी ये पक्का पक्का रिलेशन में दिखना चाहिए। सेम यहां पर ट्रांजिटिविटी की ये वाली डेफिनेशन लगेगी। तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास बी कॉमा सी यहाँ रिलेशन में नहीं नजर आ रहा, तो हम पहला पेयर भी रिलेशन में चेक नहीं करेंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि ए कॉमा सी हम इसको मान के जरूर चल सकते हैं, और अगर ए कॉमा सी रिलेशन में मिलता है बच्चों, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपको ये दोनों पेयर दिखते हैं, पर ट्रांजिटिविटी बहुत श्योर है। ट्रांजिटिविटी का ये मानना है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। अब ए कॉमा सी हम इसको मान के चल सकते हैं, और क्योंकि हमें ये पेयर नहीं नजर आ रहा, तो हम फर्स्ट पेयर को भी चेक नहीं करते। लेकिन आप ट्रांजिटिविटी के लिए ये ध्यान रखेंगे कि आपका ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। इसी वजह से यहाँ पर आपको जो आंसर दिया गया है वो ट्रांजिटिव दिया गया है इसका आंसर। अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो एनसीईआरटी पूरे तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इस पर फोकस देती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ही ऐसा क्वेश्चन है जो ये डेफिनेशन देता है ट्रांजिटिविटी की, कि ए कॉमा सी अगर रिलेशन में मिल रहा है, तो भी आप एक रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो यही वजह है बच्चों, जिसकी वजह से जो 31st क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ट्रांजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ए कॉमा बी बी कॉमा सी रिलेशन में होने पर ए कॉमा सी हमें पक्का पक्का चेक करना होता है, तो हमें तो चेक करने पर ए कॉमा सी दिख रहा है रिलेशन में, तो इसी वजह से ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आपके पास कट गया, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नाउ 32 फिर से आपको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये सब चीजें ही बतानी है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि रिलेशन
सेट है आर का। नाउ आर सेट मतलब क्या होता है बच्चों? रियल नंबर का सेट। इसका मतलब रियल नंबर का रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया होगा और बहुत सारे पेयर्स आएंगे जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, पर इतना कंफर्म है कि ए जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर में से लिया गया होगा और जो बी एलिमेंट है वो भी रियल नंबर में से लिया गया होगा। रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें आ जाती हैं आपके पास। तो अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये सब चीजें हैं कि नहीं। आप चाहे तो पहले से ऑप्शन रीड करके रख सकते हैं कि ऑप्शंस क्या है। इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इन ऑप्शंस को देखकर तो मुझे लगता है कि मुझे सभी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब जो उसने रिलेशन डिफाइन करा है उसमें उसने कहा है या तो ए बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए बी, वो सारे एलिमेंट आपको रिलेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो फिर तो आपको 1, -1, -1, 0, 0, √2, √2 ये सब रिलेशन में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो सारे ए कॉमा बी वाले पेयर लेने हैं जिसमें ए बी के इक्वल हो। तो ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है बिकॉज ए किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, यानी आप वो ऑप्शन काट सकते हैं जहाँ रिफ्लेक्सिव नॉट लिखा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया आपके पास, इसमें लिखा था नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, तो ये भी कट गया। तो या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। तो अगर आप दिमाग लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। तो सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। देखिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए बड़ा है बी से, अब यहाँ पर इक्वल नहीं लेके चल सकते, ए बड़ा है बी से और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए बड़ा है बी से, तो क्या इसका कन्वर्स प्रूफ ट्रू हो सकता है कि बी बड़ा होगा ए से? बिल्कुल नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी ये आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये रिलेशन में नहीं मिलेगा बच्चों, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है बिकॉज रिफ्लेक्सिव। तो ये पहले ही था, सिमेट्रिक हमने चेक कर लिया क्योंकि ट्रांजिटिव को लेकर तो उसने पहले ही लिख रखा था, हमें ये तो क्लियर हो ही चुका था कि ऑप्शन ए और बी। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप पहले से ही उन ऑप्शन को कट कर दीजिए जो ऑप्शन नहीं हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? 33 में आपको दे रखा है कि सेट ए आपके पास है 1, 2, 3, ठीक है, यानी ए सेट का ए सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया होगा और इसके एलिमेंट काउंटेबल है 9 एलिमेंट आपके पास बनेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब आपको रिलेशन डिफाइन करा गया बच्चों 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, और आपसे पूछा गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तो आप चेक कर सकते हो ऑप्शंस जो भी है। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो है भाई, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म है। तो जिस ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा हुआ वो आप कट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी आपके कट गए। तो चलिए अब दो में से चूज करना है, करोड़पति में होता है ना 50-50 वाला ऑप्शन आ गया, तो अपने पास 50-50 का ऑप्शन आ गया, ए और बी में से कोई एक आंसर है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब एक काम कर सकते हैं, सिमेट्रिक पहले चेक करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 2, 3 रिलेशन में है तो 3, 2 भी होना चाहिए था सिमेट्रिक के लिए, जो कि यहाँ नहीं है बच्चों। 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है, यानी ये पक्की बात है ये सिमेट्रिक नहीं, तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन और बी भी आपके पास कट गया, तो 33 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब इस सेशन के हिसाब से आपका 34th क्वेश्चन जो है वो बच्चों कटा हुआ है, बिकॉज सेशन जो आपके पास इस सेशन है उसमें आपके पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। बट ये क्योंकि ये वीडियोस और लोगों के भी काम आती है, एंट्रेंस वगैरह के भी, तो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, आप स्किप करके 35th क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। तो आपसे कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ इस बाइनरी ऑपरेशन का। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? जब आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, जैसे मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी आपके पास एलिमेंट होता है 1, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आ जाता है। सेम एडिशन में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि अगर आप किसी भी एलिमेंट में 0 प्लस करोगे तो वही एलिमेंट आ जाता है, उसे ही बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ इनमें से कौन सा है। तो ए बाइनरी ई ले लेते हैं, आइडेंटिटी के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ई। तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन, अब हमें पता है कि ए का ई के साथ बाइनरी करा जाएगा तो ए ही आपके पास आ जाना चाहिए, राइट। इससे आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, आप देखिए ये हो गया 2a इक्वल टू ए अपॉन ई, ए से कट गया और ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, दैट मींस दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज आइडेंटिटी मींस? आइडेंटिटी होता है ऐसा कोई भी एलिमेंट जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो वो सेम आंसर आ जाए। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो हमेशा 1 होता है ना, और अगर हम एडिशन में पूछें तो 0 होता है बिकॉज 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर आपके पास आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35th. 35th में आपको दे रखा है, अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है, ठीक है, सेट ए में 5 एलिमेंट है, इसे आप m नाम से याद रखें, ठीक है, m एलिमेंट्स, और बी सेट में आपके पास 6 एलिमेंट्स है यानी n, और आपको मैपिंग दे रखी है ए टू बी, यानी जो फंक्शन है वो ए टू बी है, और याद रखिएगा इसके हमने m एलिमेंट लिए, इसके n एलिमेंट. हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा. आपसे अगर कभी भी ऐसे पूछा जाए कि 1 1 1 2 मैपिंग कितनी होगी और ए और बी सेट के आपको एलिमेंट्स बता दिए जाए, तो याद रखिएगा अगर 1 1 एंड ऑन 2 इकट्ठा पूछा जाए, 1 1 एंड ऑन 2, एक सेकंड, 1 1 और ऑन 2 इकट्ठा पूछा जाए, तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखकर दे रहे हैं, उसकी मदद से आप बड़े आराम से पता कर लेंगे कि यहाँ पर मैपिंग कितनी है जो 1 1 भी है ऑन 2. तो आपने क्या देखना है कि अगर एन और एम आपस में इक्वल है तो हमारा आंसर होगा n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना. और अगर n और m आपस में इक्वल नहीं हुए तो जीरो आंसर होगा, यानी ऐसे कोई भी 1 1 और 2 यहाँ पर मैपिंग नहीं बनाए जा सकते. तो हमारे को वन मार्कर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए. इस 1 1 और 2 पर अलग से हमने शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी बनाई है जिसे आप पूरा इकट्ठे तौर पर देख सकते हैं. फिलहाल क्वेश्चन नंबर 35 के लिए जो यूजफुल ट्रिक थी वो ये थी कि अगर 1 1 और 2 इकट्ठा पूछा जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तब हमारे पास क्या ट्रिक है, अगर n और m इक्वल हो तो n फैक्टोरियल, अगर n और m इक्वल ना हो तो जीरो. तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर m और n इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, जीरो इज द आंसर, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. 36 में भी कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या कहता है, ए सेट में n एलिमेंट है, ठीक है, ए सेट में देखिए 1 2 3 से लेकर n एलिमेंट है, और बी सेट में बहुत काउंट कर सकते हो बड़े आराम से 2 एलिमेंट, और जो फंक्शन है उसमें आपको सर्जेक्शंस बतानी है. सर्जेक्शंस मतलब ऑन टू फंक्शन बतानी है, सिर्फ ऑन टू, है ना. इससे पहले वाले में 1 1 और 2 दोनों पूछे थे, तो इसकी भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे. तो अगर ए आपके पास ए सेट में एन एलिमेंट्स है, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, और आपके पास जो फंक्शन है वो ए टू बी है, राइट, यानी आपके पास, आपको बताए थे इसमें एम और इसमें एन एलिमेंट लेट करके चलने हैं आपने, ठीक है. अब आपके पास ऑन टू की ट्रिक क्या है, अगर आपका एन छोटा हो एम से तो आपके पास जीरो नंबर ऑफ जो है ऑन टू मैपिंग्स बनेंगे, और अगर n बड़ा और इक्वल हो तो आपके पास बनेगा एन सी एम इन टू एम फैक्टोरियल. अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास m जो पहला सेट है उसके एलिमेंट m होते हैं, और जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट n कहलाते हैं. हमेशा ये याद रखना है m टू n, जो हम यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप बताइए कि m बड़ा है ना, यानी आप कह सकते हो n क्या है हमारे पास, n यहाँ पर छोटा है m से. सॉरी बच्चों, ये हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे साइन की थोड़ी सी गलती हो गई, इसे करेक्ट कर लेते हैं. अगर n बड़ा होगा m के तो जो ऑन टू फंक्शंस होंगे वो जीरो, और n अगर छोटा और इक्वल होगा m के तो ये आपके पास होंगे. तो यहाँ पर क्या है आपके पास, n कितना है, नंबर ऑफ टू एलिमेंट्स, और m कितना है आपके पास, टू. तो यानी जो n है यहाँ पर वो छोटा है m से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास, दिस वन. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, n, n कितना है आपके पास, तो डियर देखिए ये है आपके पास करेक्ट वर्जन. अगर आपको वन टू फंक्शन पता करना है तो अगर n बड़ा होगा m से तो जीरो आंसर होगा, और अगर n छोटा होगा इक्वल होगा तो ये आंसर होगा. तो यहाँ पर n कितना है बच्चों आपके पास, टू. तो n छोटा है m से, है ना, n छोटा है m से, और याद रखिए यहाँ m की वैल्यू है n और n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम स्टैंडर्डली हमेशा ये लेके चलेंगे कि a सेट में m एलिमेंट और b सेट में n एलिमेंट, जहां से फंक्शन है a टू b मैपिंग. इफ इट इज b टू a देन इट्स डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम a टू b है आपके पास मैपिंग. तो n अगर छोटा हो m से तो ये वाला फॉर्मूला हो गया ना, m की वैल्यू कितनी है n, n की वैल्यू कितनी है 2, इन 2 में 2 फैक्टोरियल. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा. तो यहां पर क्या आ जाता है, एनसीआर में क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 आ गया आपके पास, राइट. चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा. तो फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे तो n आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n माइनस 1, और उससे नेक्स्ट टर्म n माइनस 2 फैक्टोरियल ही होगा. नाउ दिस इज 2 इंटू 1 और ये आ गया हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल. नाउ 2 1 से ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा बच्चों, तो ये हमारे पास बचा n स्क्वायर माइनस n, और ये ऑप्शन हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज.
चलिए बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव और एफ इज नॉट डिफाइंड, और हमें ये दे रखा है एक्स की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो और उसने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू रियल भी है और रियल में से जीरो को एक्सक्लूड नहीं कर रखा। अगर जीरो को एक्सक्लूड कर रखा होता तो हम चेक करते हैं 1 1 ऑन 2, राइट। लेकिन क्योंकि हमें ये दे रखा है कि एक्स की वैल्यू कैन बी अ रियल नंबर और एक्स कैन नॉट बी जीरो बच्चों, क्योंकि अगर एक्स जीरो होगा तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो फिलहाल ये फंक्शन क्या है आपके पास, नॉट डिफाइंड, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जेड टू जेड आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो जेड टू जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का फंक्शन दे रखा है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एरो डायग्राम बना लेते हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है समझने के लिए कि इनमें से कौन सा 1 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो मेरा आंसर जीरो आएगा, नो डाउट। अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 आएगा, माइनस 1 पुट करूं तो माइनस 1 आएगा, लेकिन 2 पुट करा जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, सीधा 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस 2 पुट करूं तो माइनस 8 आ जाएगा, यानी बीच के जो नंबर्स हैं कौन से 3 4 वो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, यानी कुछ नंबर्स रह गए यहाँ पर। और जब भी आपके पास कोडोमेन में कुछ नंबर रह जाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो ऑनटू नहीं होगा। तो ये 1 1 तो जरूर है लेकिन ऑनटू नहीं है, तो काट देते हैं, हमें तो बाइजेक्टिव फंक्शन ढूंढना है। ठीक है जी, तो चलिए अब दोबारा से लेते हैं इनकी कनेक्टिविटी। अब हम ये दूसरा वाला फंक्शन ले लेते हैं। अगर हम इस फंक्शन में एक बार दोबारा से एरो डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर हम ये जो फंक्शन हमें गिवन है x प्लस 2, राइट, ये इंटीजर से इंटीजर है, फिर से अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 1 पुट करें तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, और अगर हम माइनस 2 पुट करें तो आंसर 0 भी आ रहा है ना, और अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर -4 पुट करें तो हमारा आंसर 2 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा आपके पास। यानी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सभी नंबर कनेक्ट होंगे। अगर आपको लगे दीदी 1 नहीं कनेक्ट हो रहा तो 1 भी कनेक्ट होगा, अगर हम यहाँ माइनस आपके पास, अगर देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो आपका आंसर 1 भी आ जाएगा, यानी आंसर 0 भी कनेक्ट हो रहा है, 1 भी कनेक्ट हो रहा है, 2 भी कनेक्ट हो रहा है, 3 भी कनेक्ट हो रहा है, सारे के सारे नंबर्स ही कनेक्ट हो रहे हैं, और हर x की वैल्यू पर मेरा y का आंसर यूनिक आ रहा है। तो 1 1 तो ये पहले ही था, क्योंकि जो भी आप x वैल्यू रख रहे हो y की वैल्यू हर बार डिफरेंट आ रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि इंटीजर में कोई भी वैल्यू छूट जाएगी, इसका मतलब ये आपके पास 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, दैट मीन दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जितने भी आपके इस बार सिलेबस में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमने आपको एनसीईआरटी एग्जांपलर में से करके बताए। अगर आप लोगों को सच में ये एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, और अपना कीमती समय निकालकर एक शेयर जरूर करिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका सपोर्ट हमारे चैनल को जरूर मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग बक्स।